चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। बस लॉकडाउन के लगने बाद भाई इतने राशन थे हमारे पास, इतना खा पी लिए, जब राशन नहीं रहे तो बस फिर मजबूर हो गए, काम भी नहीं मिला। हाँ, मैं घर में यही काम कर लेती थी जाके, अब ये भी नहीं हो रहा, घर में परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। आपका नाम? शन्ना जी, कहाँ से हो आप? मैं बागपत की हूँ। अच्छा, फिलहाल अभी कहाँ पे रह रहे हो? मलिक सिटी में। आप क्या काम करते हैं? मैं तो जी ठेला लगाती हूँ बाजार में बर्तनों का, वो भी नहीं लग पा रहा लॉकडाउन की वजह से, पुलिस वाले परेशान कर रहे। अच्छा। हाँ, मैं घर में यही काम कर लेती थी जाके, अब ये भी नहीं हो रहा, घर में परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, खर्चे पानी की भी, एक टाइम हो जाता है एक टाइम नहीं होता, इसकी वजह से अभी ये गाड़ी चलाते हैं इसके पापा, वो भी नहीं चल पा रही, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे, उसमें भी कुछ काम नहीं हो रहा, घर पे ही खड़ी रहती है ये भी। तो आप जो बता रहे हो कि बाज़ारों में दुकान लगाती है, तो आप किस तरह का सामान बेचते हैं और कहाँ कहाँ पे आप दुकानें अपनी लगाती हैं, ठिया लगाते हैं? ठिया लगाती हूँ जी बाज़ार में मैं, जहाँ बाजार लगता है वहीं पे ठिया लगाऊँ, ये मग्गे क्या नाम बुरुस लाइटर और टोकरी डब्बे मसाले के ये चीज बेचती हूँ। तो आप प्लास्टिक का सामान बेचते हो? हाँ, प्लास्टिक का सामान बेचती हूँ। तो पहले आप ये जो काम करते हो ठिया लगाते हो, तो आप पहले इससे कितना कमा लेते थे? कितना भी नहीं जी, बस ऐसे ये तो 5-6 सामान बिक जाते हैं तो 30 रुपये बच जाए उसमें, इतने ज्यादा नहीं बचते, बस ये है कि दाल सब्जी का खर्चा निकल जावे इसमें, और कुछ नहीं निकलता, चली जाती हूँ तो बस ये भी बिक गया ना भी बिका वो भी ऐसे ही रखा रहे। एक लेबर कार्ड होता है, लेबर कार्ड बनता है मजदूरी का, तो क्या वो बनवाया आपने? नहीं, अभी नहीं बनवाया मैंने, पता नहीं कहाँ बने भैया, कहाँ नहीं बनता। अभी सरकार ने घोषणा की थी कि हम 3 महीने तक राशन फ्री, और हमें तो जी कुछ भी नहीं मिला, और नहीं मिला कुछ भी ना, हमारा राशन कार्ड बना हुआ। तो सरकार कह रही थी कि हम 3 महीने तक 1000-1000 रुपया देंगे, क्या उसको भी आपको लाभ मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। 2020 में भी एक लॉकडाउन लगा था, जी लगा था, तो उसमें भी आपने इसी तरह जद्दोजहद? हाँ, इसी तरह का हमें परेशानी बहुत ज्यादा उठानी पड़ी, हमें किसी का भी सहारा नहीं था। आप क्या काम करते थे वैसे लॉकडाउन लगने से पहले, अभी क्या काम करते हो यहाँ? जींस पैंट का काम करते थे। अच्छा, किस तरीके का होता है आपका काम उसमें? बड़ी बड़ी मशीन है उसमें डालना, ढिलाई करनी, नूडल कर, कलर डालने, जैसे ऐसे पैंट है कच्ची पीस है उसको मतलब के डाई करनी। तो उसका आपको कितना मिल जाता था एक दिन का देख लो, 9000 रुपये तनख्वाह थे, 9 से 9 लोग का, 12 घंटे का ड्यूटी। अच्छा, 12 घंटे, तो 300 रुपये महीना। लॉकडाउन लगने के बाद आपके परिवार की स्थिति कैसी रही और आपके घर में किस तरीके से आपने काम? बस लॉकडाउन के लगने बाद भाई इतने राशन थे हमारे पास, इतना खा पी लिए, जब राशन नहीं रहे तो बस फिर मजबूर हो गए, काम भी नहीं मिले। Thank you.
तो आप काम तलाश कर रहे हैं, किस तरह का काम हाँ, होता काम देखने गए थे, काम पे मालिक भी बोलने लगे कि 4,000 5,000 तनख्वाह मिलेगी, इससे फालतू में। यहाँ तो मैं इसी लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में इसलिए तो नहीं होने के, उस समय सरकार की तरफ से आपको किसी तरह की मदद, जैसे गवर्नमेंट ने 3 महीने तक राशन फ्री देने का ऐलान किया था? नहीं कोई राशन नहीं, कोई किसी के पैसे नहीं, मतलब कि पैसे तो सबके आए और की भी आए, जो लेडीज थे जिसके मतलब के नाम चढ़े हुए थे उसके आए, जिसके चढ़े हुए नहीं थे उसके आए, तो आपको कुछ नहीं मिला? नहीं ना तो राशन ना पैसे। आपको किसी तरह का कोई सरकारी योजना से कुछ लाभ मिला है आज तक, जैसे जन धन योजना के अकाउंट खुलवाए क्या? आपका खुला है वो अकाउंट? हाँ वो खुला था, वो भी बंद हो गया। अच्छा, उसमें कभी कुछ आया है आपके? अच्छा, हाँ पैसे आए थे, अब बीच में 5 साल हो गए, आने ही बंद हो गए थे।